मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक खबर है जहां पर गैंग रेप की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश में गैंग रेप की वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसा ही मामला बालाघाट के कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया है जहां खेत में बने कच्चे मकान में नाबालिग बालिका के साथ 5 युवकों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। 23 फरवरी की रात हुई इस घटना की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए घटना के बाद से फरार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 1 आरोपी की तलाश की जा रही है। इस मामले में थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि पीड़िता द्वारा शिकायत किए जाने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया था। इस दौरान जो है सरगर्मी से आरोपियों की तलाश पतारसी की गई और कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह जो है एक नाबालिग को भी जो है अभिरक्षा में लिया गया जी। अभी एक आरोपी फरार है, उसकी तलाश जा रही है। सर ये इसमें आरोपियों में नाबालिग भी है क्या? अभी तक जो ज्ञात हुआ उसमें अभी सुबह जिसको पकड़ा है उसमें एक नाबालिग जी, एक अन्य की तलाश जा रही है। हरीश लिल्हारे बालाघाट से हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम ये है या फिर जिस तरह से परिस्थितियां बालाघाट में हैं कि जो गैंग रेप की वारदातें हैं लगातार उनमें इजाफा हो रहा है, हम जानना चाहेंगे पहले तो इस खबर को लेकर कि क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है। देखिए, ये 23 फरवरी को ये घटनाक्रम हुआ था। एक नाबालिग, ये जो लड़की है आरोपी, जो लड़की है पीड़िता है वो भी नाबालिग बताया जा रहा है और इसके साथ जो है 5 लड़कों के द्वारा जो है 23 फरवरी को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और ये बताया जा रहा है कि मोबाइल से जो है इससे कॉन्टेक्ट किया गया था। ये जो है कहीं काम करने बालाघाट में आती थी ये लड़की और कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है घात लगा के पहले से ही ये लड़के लोग आते जाते हुए देखते थे और कहीं ना कहीं ये जो है इसको इस तरह से घटना को अंजाम देने के लिए इन्होंने अपना शिकार बनाया जी। क्या क्या वजह मानी जाए हरीश, संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर है या जो गैंग रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही है, क्या पुलिस पूरी तरीके से बालाघाट में निष्क्रिय हो चुकी है? जी, जैसे कि मैं बताऊं कि बालाघाट का ही मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। कई जिलों में इस तरह की वारदातें हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं और इसमें बड़ी हैरानी की बात है कि नाबालिगों का भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है आरोपी के रूप में नाम आ रहा है। चाहे आप हैदराबाद की घटना ले लें या बालाघाट की घटना ले लें। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हरीश लिल्हारे बालाघाट से हमारे संवाददाता जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को बता रहे थे और बालाघाट में जिस तरह से एक गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, 5 आरोपी थे, 4 को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है।